महाराष्ट्र विधानसभा के नागपुर शीतकालीन अधिवेशन में 19 दिसंबर मंगलवार को रामटेक तालुका से दिलवापार अपर तहसील को लेकर आमदार आशीष जायसवाल ने माननीय विधानसभा अध्यक्ष के सामने दिलवापार क्षेत्र की मूल समस्याओं को लेकर प्रस्ताव रखा। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सैयद जावेद, आप देख रहे हैं सच24 चैनल। आमदार आशीष जायसवाल ने अपने प्रस्ताव में खासकर दिलवापार तहसील की मांग उठाई है। आपको बता दें कि अपने प्रस्ताव में आमदार आशीष जायसवाल ने पॉइंटेड सवालों पर अपनी बात रखते हुए माननीय विधानसभा अध्यक्ष को बताया कि सन 1999 से लेकर अब तक आमदार रहा हूं। पहले जवाब दिया गया कि अलग अलग समस्याओं के चलते नए तालुका निर्माण नहीं हो सके, जीआर बदला गया, लेकिन नए नियमों के अनुसार 2011 में फिर नया जीआर निकाला गया है। विभागीय आयुक्त की कमेटी गठित की गई, अब उसकी अवधि 2023 अक्टूबर तक बढ़ाई गई, लेकिन अभी तक उसकी सिफारिश नहीं हुई। आमदार आशीष जायसवाल ने अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करते हुए कहा कि दिलवापार तालुका एक दुर्गम आदिवासी क्षेत्र है, जहां 72 गांव में ज्यादातर आदिवासी रहते हैं और उन्हें अपने कामों को लेकर कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तहसील दूर होने से उन्होंने बताया कि दिलवापार तहसील अपर कार्यालय पिछले शासन ने शुरू किया था, उसके लिए मैंने भी कोशिश की थी, पिछले सरकार का अभिनंदन करता हूँ। उन्होंने कहा कि पिछले कई सालों से मेरी मांग रही है। आमदार आशीष जायसवाल ने अतिरिक्त तहसीलदार उमेश पाटिल का मुद्दा उठाया। आशीष जायसवाल के सवालों पर राधाकृष्ण विखे पाटिल ने स्वीकार किया कि दिलवापार अतिरिक्त तहसीलदार उमेश पाटिल गायब है और उन्हें निलंबन करने की कार्रवाई की गई है, लेकिन अभी तक उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। ऐसे में उन्हें बर्खास्त करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही विखे पाटिल ने बताया कि एक साल में दिलवापार में अतिरिक्त तहसीलदार कार्यालय बनाया जाएगा और एक पदों पर भर्ती की जाएगी। आप देख रहे हैं सच24 चैनल। आपको यह खबर कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, देखते रहिए सच24 चैनल।